जैसे और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, एक, सिर्फ एक ब्रांच थी और उसमें डिपॉजिट जीरो था। एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें जीरो था, HDFC भारत आया था तब। आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है। HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है। जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1,000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे। और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था, अमेरिका का सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था, हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में। स्कैम सिटी बैंक ने किया था, हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था, सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो, हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया, उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का 1,000 करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की, संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है, तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन में जिनका पता नहीं था और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया, हाँ हाँ इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया क्योंकि अमेरिका से डर है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे।
और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का, एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। क्या कर सकते हैं अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं, अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के दो कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है, प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं, उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी NPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं।